हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, धातु तथा अधातु। तीसरा चैप्टर है यह धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। इसमें पढ़ेंगे तो धातु, धातु मेटल्स। तो धातु क्या होता है, जिससे कि कक्षा 6, 7, 8 की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं, चमकीली होती हैं और अपारदर्शी होती हैं, नहीं पारदर्शी होती हैं। तो यानी कि जितने भी धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं, धातुओं में चमक पाई जाती है। यह तो कक्षा 6, 7, 8 की परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर कक्षा 10 के अनुसार जो परिभाषा होगा वह होगा कि यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। और यहाँ पर तो जितनी भी धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो सबसे पहले कि वहीं ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, यानी कि जो जितने भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं वैसे तत्वों को क्या कहते हैं, धातु होते हैं कहते हैं। और जितने भी धातुएं होती हैं लगभग ठोस होती हैं, केवल मरकरी को छोड़कर। मरकरी ऐसा तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है, और तो वह ठोस अवस्था में ना होकर द्रव अवस्था में होता है। तो यह एक केवल एक अपवाद है, और बाकी सभी जितने भी धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं, ठोस होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह हो जाएगा Na से यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यह बनाएगा Na प्लस। Mg यह मैग्नीशियम है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg +2 बनाता है। Al यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Al -+3 बनाता है। तो यानी कि जितने भी जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतना उस पे चार्ज आता है, यानी कि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, माइनस का मतलब निकल रहा है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यह क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर 2+ चार्ज आएगा, यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यह इस पर 3+ चार्ज आएगा। तो इस तरह से जितने भी धातुएं होती हैं वह इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो वह क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो यह सभी क्या होंगे, धातु होंगे और यह आयन होंगे। तो यह धातु आयन है और यह धातु है। तो यहां पर हो जाएगा ऐसे तत्व
जो इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, चालक होती है। तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो इस तरह से धातु के बारे में आप लोग जान गए होंगे। और इसके बाद होगा अधातु। अधातु नॉन मेटा, धातु यानी कि धातु जस्ट इसी धातु का क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि वही कक्षा 6, 7, 8 की परिभाषा के अनुसार, यानी कि जिस धातु में या जिस तत्व में या जिस पदार्थ में चमक नहीं पाई जाती, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया और ईट हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सबों में क्या होता है, चमक नहीं पाई जाती, तो इसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो यानी कि ऐसे तत्व, अब यहाँ पे जो परिभाषा होगी वह अलग होगा। तो यहाँ पर यानी कि 10 के अनुसार जो परिभाषा होगी, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसमें क्या था, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अधातु क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं लेकिन ये अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर होगा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। या तो अधातु जितने भी अधातु होते हैं वह ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक और कुचालक क्या होता है, तो सुचालक होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सके या ऊष्मा आसानी से प्रवाहित किया जा सके, वह क्या होता है, धातु होता है। और अधातु में क्या होता है, कुचालक में क्या होता है कि कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कि विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो जितने भी अधातु होते हैं वह क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट अधातु होता, तो अधातु होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, तो यह अपवाद में आता है। तो
यहाँ पर हो जाएगा कि वे पदार्थ, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं, जैसे सीएल या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह सीएल माइनस बनाता है, बी आर या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह क्या बनाता है, बी आर माइनस बनाता है। ऑक्सीजन या दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन डबल माइनस बनाता है, और नाइट्रोजन या दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एन माइनस थ्री बनाता। तो जो सीएल है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ऋणायन बनेगा, यानी कि उतना ऋणावेश आएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक माइनस चार्ज आएगा, या अभी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह ऋणायन बनाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ पर दो ऋणायन ऋणावेश आएगा, और यह तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह इस पर तीन ऋण चार्ज बनेंगे। तो इस तरह से तो जो जितना भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट करता है उतना माइनस चार्ज आते हैं। तो इस तरह से तो अधातुएं क्या होती हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जितने भी अधातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक कुचालक होती हैं। तो धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक होती है धातु, कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं किया जा सकता, वह क्या होता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे उपधातु, उप धातु, उप
ये हो जाएगा सब मीटर, सब मीटर। उपधातु, उपधातु में क्या होता है कि यानी कि जो धातु और अधातु दोनों का कार्य करता है, तो ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि धातु का भी कार्य करते हैं और अधातु का, यानी कि समय समय पर धातु का भी काम कार्य कर लेते हैं और अधातु का कार्य भी कर लेते हैं। तो ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं, जैसे सिलिकॉन है, एंटीमनी है, तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रुक रुक के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि यह धातु और अधातु दोनों का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का कार्य करते हैं या दोनों की तरह कार्य करते हैं, तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो वे तत्व जो धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु दोनों की तरह, दोनों की तरह कार्य करते हैं, कार्य करते दोनों की तरह कार्य करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन SI और एंटीमनी SP आदि। तो जो सिलिकॉन है और एंटीमनी है, यह क्या होता है कि धातु का भी कार्य करता है और अधातु का भी कार्य करता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे धातु और अधातु में अंतर। धातु तथा अधातु में अंतर। अंतर धातु तथा अधातु में क्या है अंतर? तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा,
इस तरह से सबसे पहले पहली बात की जो धातुएं होती हैं, धातु और अधातु में, तो पहली बात की परिभाषा से ही अंतर हो जाएगा कि धातुएं जो होती हैं वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनान बनाती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणान बनाती हैं। तो इस तरह से एक अंतर तो यही हो जाएगा कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, धनायन बनाती हैं, और दूसरा इसमें हो जाएगा पहला पॉइंट जो अधातु होगा, अधातु में जो अधातुएं क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, तो वह क्या होता है अधातु होता है, तो यानी कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, तो अधातुएं जो होती हैं वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। तो ऐसा तो जो अभी बताया गया कि अधातुएं क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, तो यह क्या हो गया अधातु हो गया। और दूसरा पॉइंट अगर इसमें देखेंगे धातु में, तो धातु में क्या होता है कि जो धातुओं में चमक पाई जाती है, और अधातुओं में क्या होता है चमक नहीं पाई जाती है। तो धातुओं में क्या होती है चमक पाई जाती है, तो धातुएं या सीधे सीधे धातुओं में चमक पाई जाती है, और दूसरा हो जाएगा अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर हीरा को छोड़कर, तो जो हीरा होता है वह चमकीला होता है लेकिन अधातु होता है, तो हीरा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, इसलिए अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, तो हीरा क्या होता है अपवाद में आता। तो जितने भी अधातुएं होती हैं वह क्या होता है उसमें चमक नहीं पाई जाती, और जितने भी धातु होते हैं वह क्या होते हैं चमकीले होते हैं, यानी कि जैसे सोना सोना चांदी प्लेटिनम गोल्ड मरकरी यह सब क्या है सोडियम है मैग्नीशियम है एल्युमिनियम है, जितने भी लोहा भी हो चमकीला होता है, क्योंकि जो छड़ आता है उसको अगर काट देंगे तो काटने के बाद वह क्या होता है चमकीला दिखाई देता है, ऊपर से जंग लगने के कारण ही
वो चमकीला नहीं दिखाई देता, नहीं तो काटने पर वह क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। जो एल्युमिनियम का तार यानी कि जो खंभे पर तार लगाया जाता है जब नया रहता है तो वह क्या होता है, चमकीला होता है। उसी तरह से चांदी भी चमकीली होती है, सोना भी चमकीला होता है। तो यह सब क्या होते हैं, धातुओं में चमक पाई जाती है। इसी तरह से अराधातुओं में जैसे लकड़ी हो गया वह चमकीली नहीं होती, और जो प्लास्टिक होता है वह भी चमकीला नहीं होता। जो ईट है वो ईट भी क्या होता है, अधातु होता है, तो ईट भी क्या है, चमकीला नहीं होता है। तो जितने भी अधातुएं होती हैं वह क्या होता है, चमकीली नहीं होती हैं। अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि धातु धातु धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक होती है। तो जो धातुएं होती हैं वह क्या होता है, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यानी कि जितने भी धातुएं होती हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, जितने भी होते हैं वह सब क्या होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और सबसे तेज विद्युत धारा जो अधातुएं होती हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो यहाँ पर होता है अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। चौथा धातुएं, जो धातुएं होती हैं उसको उसमें तन्यता गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है। तो यह जो धातुएं होती हैं वह क्या होता है, तन्य होते हैं, मतलब उसको गर्म करके अगर तान दिया जाए तो वह तार की रूप में बन जाती हैं। तो धातुओं में क्या होता है, तन्यता गुण पाया जाता है, लेकिन धातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि अधातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। धातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। अब पांचवा हो गया, तो जितने भी धातुएं होती हैं वह क्या होता है, आघात वर्धनी होते हैं, मतलब कि अगर धातुओं को पीटा जाए तो वह क्या होता है, चादर के रूप में फैल जाती हैं। लेकिन अधातुओं में आघात वर्धनी नहीं होते हैं, क्योंकि धातुओं को पीटने पर वो टूट जाते हैं लेकिन फैलती नहीं है। तो धातुओं में
धातुएं आघात वर्धनी होती हैं, आघात वर्धनी है, आघात वर्धनी होती हैं और अधातुएं आघात वर्धनीय, आघात वर्धनी नहीं होती हैं, नहीं होती है। तो जितने भी धातु होते हैं वह आघात वर्धनी होते हैं और जितने भी अधातुएं होती हैं वह आघात वर्धनी नहीं होती। तो जितने भी धातु होते हैं यानी कि अगर उसको पीटा जाता है धातु को तो वह क्या होता है, फैल जाता है, लेकिन अधातु फैलता नहीं है, टूट जाता है। इसकी वजह से धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को धातु अधातु और उपधातु और धातु अधातु में अंतर, उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू। Thank you.